हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में इन्फिनिटी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ के बारे में। एनवायरमेंटल लॉ का मतलब होता है पर्यावरणीय कानून। पर्यावरणीय कानून हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा बीए, एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम एंड अदर कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स विच इज रिलेटेड टू द लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस का नाम है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस केस के बारे में मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट केस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी केस से ये डिसीजन लिया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है या पर्यावरण संबंधी कोई बाधाओं को उत्पन्न करता है, तो उन कंडीशंस में लोगों पर या जो अमुक व्यक्ति जिन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उन पर कौन कौन से सजा या जो कंपनसेशन है उसके प्रोविजंस हैं। तो इस केस में हम इन सारे बिंदुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो भोपाल गैस लीक केस था वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव होने के कारण जो हुआ था, उसमें हजारों लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई थी, जो 1984 का केस था। तो इसके जस्ट 2 साल बाद ये कांड हुआ था दिल्ली में। इसमें एक गैस के रिसाव के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो घायल हो गए थे। तो इस केस के बाद ही ये डिसीजन लिया गया था कि क्या अब उन लोगों को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, और दिया जाना चाहिए तो कितना दिया जाना चाहिए। इसलिए ये केस जो है एक लैंडमार्क जजमेंट केस कहा जाता है। तो चलिए आइए अपने केस की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो ये केस था, ये कई क्वेश्चंस में, कई सब्जेक्ट में इसका जिक्र है, और ये पूरा लॉ में जब 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 तक लॉ रहेगा तब तक ये केस आपके सामने आता रहेगा। ये केस इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कई हज़ार लोग घायल हुए थे, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उसके जस्ट बाद का ही ये केस था। तो इस पर जो कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और पूरा ओवरव्यू इसका हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं। ये जो केस था हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1986 का केस था। जो कंपनी थी जिससे रिलेटेड ये केस था, उसका नाम था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कॉम्प्लेक्स दिल्ली। ये कंपनी दिल्ली में थी और जो गैस लीक हुई थी उस गैस का नाम ओलियम गैस, ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। गैस का नाम था ओलियम गैस। अब यहां तक की बात आगे करने से पहले मैं बता दूं, इस केस में सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, इन्होंने जो है नियमों का पालन नहीं किया और जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको बंद कर दिया जाना चाहिए और दिल्ली छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इस पर जो एमसी मेहता लॉयर थे, एमसी मेहता एक वकील थे, इन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। अब चलते हैं यहां से आगे। कोर्ट का नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और केस डिसाइड किया गया था 20 दिसंबर 1986 को, 20 दिसंबर 1986। और जो जजेस की बेंच थी वो थी पीएन भगवती की बेंच ने निर्णय दिया था, ये डिसीजन दिया था पीएन भगवती की बेंच ने। ये मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, और साथ ही अन्य जजेस थे जीएल मिश्रा, रविनाथ ओझा, एमएम दत्त और केएन सिंह। ये 5 जजेस की बेंच ने अपना डिसीजन दिया था। और ये जो केस है ये ऑब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी कि पूर्ण दायित्व के सिद्धांत पर आधारित था। अब इस ही केस से ये जजमेंट दिया था माननीय न्यायाधीश महोदय ने कि अब जो लोग, क्योंकि इस केस में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और कई सारे लोग जो है घायल हो गए थे, अब इस केस में माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा ये जजमेंट दिया गया था कि जो व्यक्ति घायल है उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, जिसकी मृत्यु हो गई है उसको भी कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, और पर्यावरण से संबंधित कोई भी, अब मैं पूरे के पूरे की बात कर रहा हूँ, पर्यावरण से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर कोई कंपनी लगाता है तो उसको जो नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे,
और वो कौन कौन से नियम हैं जिनके टूटने पर मान लिया भारतीय दंड संहिता के तहत सजा के प्रावधान हैं या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सजा के प्रावधान है, इसके विषय में अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद। चलिए चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे पर्यावरणीय कानून को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के अगेंस्ट कौन कौन से सजा के प्रावधान है या कौन कौन से प्रावधान है जो भारतीय दंड संहिता के दौरान बताए गए हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि बताया आपको, देखिए टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल एनवायरमेंट अंडर आईपीसी प्रोविजंस, ठीक है, यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा के प्रावधान, पर्यावरण सुरक्षा के जो प्रावधान है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस को हम लोक बाधा कहते हैं, यानी कि लोक बाधा से लोक बाधा या लोक उपताप, लोक उपताप से तात्पर्य या लोक बाधा से तात्पर्य यह है ऑल द एक्ट हु इज अफेक्टेड या हु अफेक्टेड टू द एनवायरमेंट, यानी कि वो सारे कृत्य जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं वो हमारे पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक उपताप के अंदर में काउंट किए जाते हैं। बता दूं मैं, लोक उपताप को डिफाइन किया गया है आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 268 के अंदर में, आईपीसी सेक्शन 268 के अंदर में भारतीय सभी जो दंड संहिता के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है, यानी कि ये बताता है कि यह लोक उपताप को लोक बाधा को ये परिभाषित करता है। अभी इसके अंदर जो सजा के प्रावधान है, ठीक है, वो दिए गए हैं आईपीसी 290 के अंदर, ठीक है, 268 इसको परिभाषित करेगा और 290 इसको सजा के प्रावधान के बारे में बताएगा। हालांकि एक बात बता दूं मैं आपको कि जो आईपीसी 290 है इसके अंदर में सजा के प्रावधान होते हैं, ठीक है। अब बात करें अगली जो है हमारा कंटिन्यूएंस ऑफ यूजेंस ऑफ इंजेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यू, यानी कि उपताप बंद करने के आदेश के बाद उसे चालू रखना। अगर कोई व्यक्ति उपताप बंद करने का आदेश न्यायाधीश महोदय द्वारा दिया गया है उसके बाद भी उसको चालू रखता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से सजा के प्रावधान है या इसको कैसे परिभाषित किया गया है। देखिए इसको हमें इसको परिभाषित किया गया है आईपीसी 291 के अंदर में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसमें क्या होता है कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक बार किसी व्यक्ति ने वह एक्ट किया है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और उसकी कंप्लेन की जा चुकी है और कंप्लेन के अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जा चुका है और आदेश दिया गया है, आदेश के बाद भी अमुक व्यक्ति उस एक्ट को दोबारा वापस से करता है तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने की सजा दी जा सकती है या उसको जुर्माना दिया जा सकता है या माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा जुर्माना और सजा दोनों दी जा सकती है। हालांकि यह धारा जो है 291 ये स्पष्ट करती है कि लोक बाधा सीधे दंडनीय नहीं है, जो लोक बाधा होती है वो सीधा दंडनीय नहीं होता है, जो पीड़ित पक्ष है उसको पहले सीआरपीसी सेक्शन 142 एंड 143 के अधीन व्यादेश या इंजेक्शन का उपचार प्राप्त करना होता है या प्राप्त करता है, यदि उसको रिपीट करता है तो ही पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, 142 और 143 के अधीन, ठीक है, सीआरपीसी 142 एंड 143 के अधीन अगर वो इंजेक्शन प्राप्त करता है, करने के बाद भी अगर वो उस काम को करता है तो उसको सजा मिलेगी, यानी कि पहली बार में नोटिस और दूसरी बार में नहीं मानता तो चल भैया आ जा, अभी मिलेगी सजा, ठीक है। तो ये था उपताप को बंद करने के आदेश के बाद चालू रखने की सजा, 6 महीने की सजा और जुर्माना यानी पेनल्टी दोनों डिपेंड करता है न्यायाधीश महोदय के विवेक पर, ठीक है। अब बात करेंगे अगला पॉइंट है हमारा नेग्लिजेंस यानी कि उपेक्षा। अगर उपेक्षा का मतलब अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई कार्य करता है या मतलब जानकारी के अभाव में कोई ऐसा कार्य करता है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है तो हमारा उपेक्षा यानी कि नेग्लिजेंस के अंदर में आ जाता है। नेग्लिजेंसी को आईपीसी 270 के अंदर में बताया गया है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता 270 के अंदर में डिफाइन किया गया है और इसमें इसके प्रावधान भी दिए गए हैं। अगर कोई नेग्लिजेंसी के कारण कोई ऐसा घटना पर मतलब निकल के आती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो इसके अंदर में
क्या नाम, 2 साल की सजा और पेनल्टी, 2 साल की सजा और पेनल्टी, या न्यायाधीश महोदय चाहे तो दोनों दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर। ठीक है, यानी कि जो लोक जल है, जैसे बहता हुआ पानी है, झरना है, रिजर्वायर है, उसको खराब करने का या उसको ना निकलने देने का जो कार्य है वो कोई करता है, तो उस पर क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसको डिफाइन किया गया है आईपीसी 277 के अंदर में। ठीक है, आईपीसी 277 के अंदर में इन सारे प्रावधानों के बारे में बताया गया है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कोई जैसे तालाब है, तालाब को रोक देता है, उसको मतलब पानी नहीं निकलने देते हैं, जैसे अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है, या लोक जल को बहने से रोकते हैं, या जो सही लोक जल है उसको मतलब दूषित करते हैं या कलुषित करते हैं, तो उन सब चीज़ों में जो है 277 के अंदर में उसके प्रावधान दिए गए हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें 4 महीने की सजा और 500 रुपये की पेनल्टी या दोनों इसमें दिए जा सकते हैं, यानी कि 4 मंथ इंप्रिजनमेंट प्लस 500 रुपीज जो है पेनल्टी, या न्यायाधीश महोदय चाहे तो दोनों भी दिए जा सकते हैं, इसको वो ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट्सों के बारे में। देखिए, हमारा जो अगला पॉइंट है मेकिंग एटमोस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ, यानी कि एटमोस्फेयर को ऐसा बनाना कि वो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाले और शरीर को नुकसान पहुंचाए, शरीर यानी कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। तो इस दशा में क्या होता है कि आपको आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 278 प्राप्त होता है, यानी कि आईपीसी 278, इसके अंदर में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो ये है कि 500 रुपये की पेनल्टी आपको दी जाएगी। मान लें जैसे खुले में सिगरेट पीना, एक व्यक्ति अगर सिगरेट पिया, धूम्रपान करता है, तो उसके माध्यम से अन्य व्यक्तियों को जो हानि होती है, तो ये आईपीसी 278 के अंदर में पनिशेबल है। ठीक है, तो उसमें 500 रुपये का जो प्रावधान है, 500 रुपीज का प्रावधान है दंड का। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा मिसचीफ। मिसचीफ यानी कि इसको, मिसचीफ को आईपीसी 432, आईपीसी भारतीय दंड संहिता 432 के तहत जो प्रोविजन है वो दिए गए हैं। इसमें अगर तालाब पर अवैध कब्जा करना या बहते हुआ पानी को रोकना, अगर आपका घर आगे है और पीछे वाले का जो पानी है उसको नहीं निकलने दे रहे हैं, यानी कि लोक जल निकास में बाधा पहुंचाना या बाधा पहुंचाने की अगर संभावना हो, तो इस स्थिति में 5 साल की सजा प्लस पेनल्टी दोनों दी जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा हमारा, 5 साल की सजा, 5 ईयर इंप्रिजनमेंट प्लस पेनल्टी, ये दोनों ही दी जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे मिसचीफ बाय फायर इंटेंट टू कॉज डैमेज, यानी कि एक रिष्टि अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा रिष्टि करना, आग के द्वारा नुकसान पहुंचाना, रिष्टि मतलब मिसचीफ भी है ना। तो अगर मान ले कोई व्यक्ति किसी दूसरे किसान के खेत में आग लगा देता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे किसान के खेत में आग लगाता है तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं भारतीय दंड संहिता में 435 में। ठीक है, आग द्वारा, यह आईपीसी 435 के अंदर में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 7 साल की सजा और पेनल्टी दोनों जरूरी है, 7 ईयर इंप्रिजनमेंट प्लस पेनल्टी दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं मिसचीफ बाय फायर, आग द्वारा रिष्टि, लेकिन कौन सी, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस, कोई किसी के घर पर बम गिरा देता है, विस्फोटक सामग्री गिरा देता है, या गृह राज्यों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है,
तो इस पर जो प्रोविजन है वो 436 यानी कि आईपीसी भारतीय सेना का 436 के अंदर में 10 साल की सजा प्लस पेनल्टी, ठीक है, 10 साल सजा प्लस पेनल्टी, ये इसके अंदर में जो है दिया गया है आईपीसी 436 के अंदर में। तो ये है हमारे भारतीय दंड संहिता के जो प्रोविजंस है, अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ये सारी चीजें जो है हमारी एमसी मेहता का जो केस था इसके होने के बाद ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो एमसी मेहता का जो केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है, कई बार आप इसको एग्जाम्पल में दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो हमारा लेक्चर था ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको और बढ़िया लगा है, और इससे अगले पार्ट का आप वेट कर रहे हैं तो जल्दी मिलेगी, और कमेंट में बताएं कि बढ़िया लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है, और अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।